दोस्तों, जब कभी बात समुद्री डाकुओं की छिड़ती है तो सबसे पहले जहन में आती है हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की याद। मगर क्या आपने कभी सोचा है तब क्या हो जब आपका सामना एक ऐसे असली समुद्री लुटेरे से हो जिनके जहाज को लूटने का अंदाज इन फिल्मी कैरेक्टर से भी खौफनाक और खुखार हो, जो अपनी भयानक लूट और तबाही के कारण समुद्र की दुनिया के यमराज कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोमालियन पायरेट्स की। आज जानेंगे आखिर कैसे बन गए ये दुनिया के सबसे डेंजरस डकैत, कैसे देते हैं ये अपने काम को अंजाम, कौन सप्लाई करता है इन्हें ये खतरनाक हथियार और किसके हिस्से में लगता है फिरौती का कितना माल। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार और आपका एक बार फिर स्वागत है द फैक्ट लैंड पर। ये वो समय था जब सोमालिया 3 दशक के लंबे सिविल वॉर के बाद अपनी आर्थिक तंगी और भुखमरी से गुजर रहा था। दूर दूर तक कानून का कोई अस्तित्व न होने के कारण सोमालिया के ज्यादातर हिस्सों में आतंकवादी संगठनों ने अपने पैर पसार लिए थे। ऐसे में इस देश के पास कुछ बचा था तो वो था उसका फैला हुआ विशालकाय समुद्री क्षेत्र, जिस पर उसके पड़ोसी देशों ने जबरन मछली पकड़ना शुरू कर दिया। वे खुद को कोस्ट गार्ड बताकर सोमालियन लोगों को न सिर्फ मछली पकड़ने से रोकते बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहुंचाई जाने वाली खाद्य सामग्रियों को भी लूट लेते। बस फिर क्या था, आखिर भूख से बेहाल सोमालिया के नौजवानों ने जीने के लिए डकैती का रास्ता चुना और चल दिए समुद्र की अनजान दुनिया को ललकारने। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर समुद्री डाकू अनपढ़ और अन्य पिछड़े क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, मगर ये सोमाली लुटेरे इनसे काफी अलग और एडवांस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से अधिकतर लुटेरे वो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अपना हर ऑपरेशन बड़ी ही सावधानी और प्लानिंग से अंजाम देते हैं, वो भी किसी जंग लगी तलवार से नहीं बल्कि AK-47 से। इनके द्वारा किया गया हर टास्क खत्म होने के बाद 30% से भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बनता है, जिसे सुनने के बाद शायद एप्पल जैसी कंपनियों को भी इनसे जलन होना लाजमी है। और ये सब शुरू होता है गोल्फ ऑफ एडन के नाम से मशहूर सोमालिया और यमन के बीच स्थित इस खाड़ी से। दोस्तों, ये जगह दुनिया की उन चुनिंदा व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है जिसके सहारे दर्जनों देशों के जहाज अपना सफर तय करते हैं। यहाँ से गुजरने वाली सभी छोटी से बड़ी जहाजों को मोगाडिशु पोर्ट पर एक बार दर्शन देना अनिवार्य है, जहाँ बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शिप तो छोड़िए एक मामूली मोटर बोट भी पास नहीं हो सकती। बस इसी का फायदा उठाकर इस बोट पर बैठे जासूस एक मालामाल कर देने वाली शिप को टारगेट करके उसकी सूचना पोर्ट से थोड़ी दूर पर आंख गड़ाए अपने आकाओं तक पहुँचा देते हैं। अक्सर टारगेट की गई इन शिप में अमीर देशों के जहाज या फिर कोई विशालकाय क्रूज शिप होती है, जिसकी खबर मिलते ही ये समुद्री डाकू चील की तरह घात लगाकर बैठ जाते हैं। आमतौर पर ये लुटेरे 4 से 20 की तादाद में होते हैं और जहाज के करीब आते ही 2 छोटे हिस्सों में बंटकर अपने साथ मौजूद रस्सी और सीढ़ियों की मदद से उस पर कब्जा कर लेते हैं। इस दौरान शिप का क्रू अपने बचाव के चक्कर में रफ्तार तेज करने की भी कोशिश तो जरूर करता है, मगर ये बात वो भी नहीं जानते कि आखिर AK-47 रॉकेट लॉन्चर और लुटेरों की इच्छा शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं। जहाज पर अपने खतरनाक हथियार के दम पर लुटेरे सारे क्रू मेंबर्स को एक जगह बंधक बनाकर जहाज को ऐसे समुद्री इलाके की तरफ मोड़ देते हैं जहां पर किसी भी देश का कोई भी कानून काम नहीं करता। अगला कदम एक व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहां पर अब आम बातचीत या फिर समझौते जैसी किसी भी चीज की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म करके मांग उठती है फिरौती की रकम की। फिर शुरू होता है जहाज के मालिक का रोने धोने का कुछ समय तक चलने वाला साधारण सा कार्यक्रम, ताकि फिरौती की रकम को थोड़ा कम करवाया जा सके। परंतु अफसोस, उसे अपनी इस एक्टिंग से कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि ये लुटेरे इस तरह के नाटक के आदी हो चुके होते हैं। साथ ही उनको ये भी पता होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा जहाज और उस पर मौजूद सामान की कीमत कम होती जाएगी और ये नुकसान शायद ही कोई मालिक उठाने की सोचेगा, जिसके कारण उनकी मांग जल्द ही मान ली जाती है। थोड़े ही वक्त के बाद शिप के ऊपर एक हेलीकॉप्टर नोटों की गड्डी से भरे वाटरप्रूफ कंटेनर के साथ पानी में ड्रॉप करके चला जाता है और फिर शुरू होता है लुटेरों का पसंदीदा काम, पैसों को गिनना। ये पैसा 3 अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। 30% उन इन्वेस्टर्स को जाता है जिन्होंने इस कंसाइनमेंट में हथियार से लेकर बोर्ड तक मुहैया करवाया। साथ ही 5 से 10% उस बोर्ड को दिया जाता है जो इन्हें फिरौती न मिलने तक शिप को पार्क करने की अनुमति देते हैं, और बाकी के बचे पैसे जान को जोखिम में डालने वाले लुटेरों की झोली में जाते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं इस इलाके में साल भर में सैकड़ों बार देखने को मिल जाती हैं।
जिसके कारण शिपिंग कंपनीज को 5 से 9 बिलियन डॉलर का चूना लग जाता है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो केवल 2011 में ही मोगाडिशु पोर्ट के आसपास 300 से भी ज्यादा समुद्री जहाजों को हाईजैक किया गया। इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो की माने तो सोमालिया 2007 से 2012 के बीच समुद्री लुटेरों के मामले में किसी चंबल से कम नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन पर लगाम कैसे लगाई जाए, जिसका सिंपल सा जवाब है फाइट बैक। और ऐसा ही कुछ नाटो के ऑपरेशन शील्ड ने 2009 से 2016 के वक्त पेट्रोलिंग करके किया। इस बीच कई देशों द्वारा इन लुटेरों पर सामूहिक कार्रवाई की गई, कई शिप को रेस्क्यू भी किया गया। हालांकि इतनी सख्ती के बावजूद भले ही ऐसी घटनाओं की कमी आई हो, मगर आज भी हिंद महासागर और गोल्फ ऑफ ईडन के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में इनकी दहशत बरकरार है, जिसके पीछे यमन के आतंकवादी संगठन अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का भी हाथ माना जाता है। शायद इससे आपको अनुमान लगाने में आसानी होगी कि आखिर इनके हाथ कितने लंबे हैं। तभी तो इनके देश के नेता भी इनके खिलाफ कदम उठाने से डरते हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि इनकी मिली भगत इनके देश की नौसेना से भी है, जिसके कार्रवाई करने से पहले ही ये अंडरग्राउंड हो जाया करते हैं। हालांकि एडन की खाड़ी में पिछले कुछ सालों में ये गतिविधियां कम जरूर हुई हैं। कारण है इस इलाके का सुरक्षा घेरे में आ जाना। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। अगर हमारी माने तो इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है इकोनॉमिक्स। अगर इन लुटेरों को पैसा कमाने का कोई दूसरा रास्ता मिलेगा तो काफी हद तक बेरोजगारी और भुखमरी से जन्मे ये समुद्री डाकू कम हो जाएंगे। बहरहाल सोमालिया जैसे कंट्री को रीबिल्ड करना खुद में एक बड़ा चैलेंज है, मगर इन लोगों को दिया गया लोकल और अन्य नए रोजगार काफी लंबे तक इसका सफल सॉल्यूशन होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इसके अलावा भी अगर कोई सॉल्यूशन आपके दिमाग में हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सोमालियन पायरेट्स के बारे में हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज द फैक्टलैंड को फॉलो करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।